हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड, फुल कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक में आज बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है फ्रेंड्स। वो किससे है? फ्रैक्शन यानी भिन्न से। तो फ्रेंड्स, जैसा कि क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कैसे करेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ा जाए और भिन्न के हर में पाँच जोड़ा जाए तो यह एक बटे तीन हो जाता है। यदि अंश में से दो घटाया जाए और मूल भिन्न के हर में दो जोड़ा जाए तो यह एक बटे पाँच हो जाता है। तो कह रहा है मूल भिन्न के अंश और हर का योग क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली क्वेश्चन जो आया है वही मैंने सेलेक्ट किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं भिन्न को मूल भिन्न को x अपान y मान लूं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर, यानी ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्लियर है? कह रहा अंश में फ्रेंड्स एक जोड़ा जाए और उसके बाद कह रहा हर भिन्न के हर में पांच जोड़ा जाए तो ये भिन्न कितना हो जाता है, एक बटे तीन हो जाता है। फिर अगली लाइन में क्या कह रहा फ्रेंड्स, यदि अंश से दो घटाया जाए तो अगला क्या है, यक्ष अपान वाई। अंश से कह रहा दो घटाया जाए और हर में फ्रेंड्स कह रहा है कि दो जोड़ दिया जाए तो यह एक बटे पाँच हो जाता है। तो कह रहा मूल भिन्न के अंश और हर का योग क्या है, ये आपसे पूछा गया है, यानी फ्रेंड्स यक्ष प्लस वाई का मान आप लोगों से पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि कैसे करेंगे फ्रेंड। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3 इज इक्वल, ये इधर चला जाएगा तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, वाई प्लस 5, यही हो जाएगा फ्रेंड्स। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 5 हो जाएगा। अब 5 को अगर मैं इधर लेके आऊँ तो देखिए माइनस प्लस का 5 इधर है तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। तो क्योंकि फ्रेंड जो डिजिट बड़ी होती है साइन उसी का लगता है, 3x माइनस 2 इज इक्वल कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ फ्रेंड्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ करेंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 5x माइनस का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 10, यही हो जाएगा, इज इक्वल फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, वाई प्लस 2। क्लियर है? और प्लस का 2 फ्रेंड्स इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो यानी 5x माइनस का 12 इज इक्वल कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। और वाई का मान देखिए फ्रेंड्स, वाई का मान कितना आया है, 3x माइनस 2। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन क्या है, सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट का मान इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दीजिए, जैसे ही आप पुट करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 5x माइनस 12 इज इक्वल, वाई की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 3x माइनस का 2 रख दीजिए, 3x माइनस का 2 रख देंगे। क्लियर है? तो अब माइनस का 2 देखिए फ्रेंड्स इधर चला आएगा, यक्स को यक्स की तरफ करिए, डिजिट को डिजिट की तरफ, 5x में से 3x घट जाएगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2x हो जाएगा, ये इधर आया, माइनस 12 उधर चला जाएगा, प्लस 10 प्लस 12 हो जाएगा, प्लस 12 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 10, तो यानी यक्स बराबर कितना आ गया, 5। यक्स की वैल्यू फ्रेंड्स कितना आ जाएगी, 5, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, जैसे ही यहाँ पे 5 पुट करेंगे, 5 तिहाई 15, देखिए 5 तिहाई 15 हो जाएगा फ्रेंड्स, 15 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 13, यानी वाई का मान फ्रेंड्स 13 आ जाएगा, वाई का मान कितना हो जाएगा, 13, यही आपसे पूछा गया है। तो इसका मतलब यक्स का मान 5, वाई का मान 13, 5 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 18 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा होगा कि सर इसका कोई शॉर्टकट तरीका है, तो देखिए फ्रेंड्स इसका एक ही फिर शॉर्टकट तरीका है, हिट एंड ट्रायल आप लगाइए। अगर x का मान आप 5 मान लेते हैं तो y का मान 13, इसके लिए फ्रेंड्स आपको सोचना पड़ेगा, इस बात का ध्यान देना, और इसके अलावा कोई भी इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं है आपके पास। अगर x में देखिए 5 में 1 जोड़ दूं और हर में देखिए 5 कह रहा है कि 1 जोड़ा जाए, हर में 5 जोड़ा जाए, तो देखिए 6 बटे 18 मतलब कितना आ गया, 1 बटे 3, यानी 1 बटे 3 क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन सही है। इस तरीके से चीज़ों को आप वेरीफाई करा लिया करिए। क्लियर है? या तो हिट एंड ट्रायल लगाइए, या तो बेसिक तरीका भी फ्रेंड, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? चलिए अगर एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आई हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम अगली बार में बेहतर तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि यदि अंश में से 1 घटाया जाए और भिन्न के हर में 3 जोड़ा जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। फिर कह रहा है यदि अंश में 1 जोड़ा जाए और मूल भिन्न के हर में से 1 घटाया जाए तो यह 5/6 हो जाती है। तो आपसे कह रहा है कि मूल भिन्न के अंश और हर का योग क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स भिन्न को मूल भिन्न को x अपान क्या मानिए, y मानिए। इस बार फिर आपसे x प्लस y का मान पूछा गया है। एक तरीका तो फ्रेंड्स हिट एंड ट्रायल है, एक बेसिक तरीका है। क्लियर है?
अंश में से अगर एक घटाया, अंश में से कह रहा फ्रेंड्स क्या कर दिया जाए, एक घटाया जाए, और हर में कह रहा तीन जोड़ा जाए, क्या कर दिया जाए यहाँ फ्रेंड्स देखिए, एक घटाया जाए तीन जोड़ा जाए तो भिन्न एक बटे दो हो जाती है, यही हो जाती है। फिर अगली लाइन में कह रहा अंश में एक जोड़ा जाए, तो यक्ष अपान वाई है फ्रेंड्स, अंश में कह रहा एक जोड़ा जाए। उसके बाद कह रहा मूल भिन्न हर में एक घटाया जाए, तो यह मूल भिन्न कितना हो जाती है, पाँच बटे छः। तो अब कह रहा मूल भिन्न के अंश और हर का योग क्या है, यानी यक्ष और वाई का मान मुझको चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे अगर मैं फ्रेंड्स करता हूँ, तो देखिए दो उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस का 2 इज इक्वल इधर 1 है, 1 में y प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स y प्लस 3 आएगा, प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब 2x माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 हो जाएगा इज इक्वल y। तो y का मान 2x माइनस 5 आ गया, इसको मान लेते हैं क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है, क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स इसका इधर मल्टीप्लाई करिए, इसका इधर करेंगे, 6 से करेंगे तो 6x प्लस का कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल, इधर इसको करेंगे तो 5y माइनस का कितना हो जाएगा 5, क्लियर है। माइनस 5 इधर लाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 6x प्लस 11 इज इक्वल फ्रेंड्स यहाँ से कितना हो जाएगा 5y, कितना हो जाएगा 5y, क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स y का मान मैंने यहाँ पे कितना निकाला है, 2x माइनस 5 है, तो इसको इक्वेशन सेकंड में ला के पुट कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट का मान इक्वेशन सेकंड में जैसे ही मैं पुट करता हूँ, तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स 6x प्लस कितना हो जाएगा 11 इज इक्वल यहाँ पे कितना है फ्रेंड्स 5 है, इधर इधर कितना है फ्रेंड्स यहाँ पे आपका वाई है। तो अब यहाँ पर देखिए रख दीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर 2x माइनस का 5, क्लियर है। देखिए फ्रेंड्स मैं छत पे जो है वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत हद से ज़्यादा है, तो आप लोग भी फ्रेंड्स पानी वगैरह पीते रहा करिए, खूब पानी पीजिए, इस बात का ध्यान देना, क्लियर है। तो देखिए 5 का इधर अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 10x माइनस का 5, यही हो जाएगा इधर 6x प्लस 11, यक्स को यक्स की तरफ करिए, डिजिट को डिजिट की तरफ करिए, तो देखिए 10x 6x है 10x, 10x में से 6x फ्रेंड्स घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, क्लियर है। और ये इधर चला आएगा, इस बात का ध्यान देना, तो ये देखिए फ्रेंड्स इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 11, 5 कितना हो जाएगा 16, यही हो जाएगा। तो 4 से काट देंगे फ्रेंड, 4 चौके 16, यक्स का मान कितना आ गया 4 आ गया, यक्स का मान कितना आ गया 4। अब वाई का मान दिखे निकाल दीजिए फ्रेंड्स, यक्स का मान यहाँ पर रख दीजिए, 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया तो वाई का मान कितना आ गया 3, इस बात का ध्यान देना, क्लियर है। तो देखिए फ्रेंड्स 5 दूनी 10, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, 5 दूनी 10x 25 माइनस का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। तो 10x में से जाएगा तो ये 4x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36, यानी 4 नवाई 36, x बराबर यहाँ कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 9 आएगा, तो x बराबर 9 आएगा, 9 दूनी 18, 18 में से 5 घटा देंगे तो y का मान फ्रेंड्स 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13। तो x का मान 13, x का मान 9, y का मान 13, जोड़ देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 13 और प्लस का 9, 13 9 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 22, 22 इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे, इस बात का ध्यान देना, क्लियर है। तो देखिए फ्रेंड्स गर्मी के चक्कर में थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, गलतियां तो होती रहेंगी, तो ये तो मानव का एक स्वभाव है, क्लियर है, लेकिन बार बार नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान देना। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप सभी लोगों को पूरी ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स। अगर नहीं आता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मेरे टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, यूनिक क्लासेस 7373। तो फ्रेंड्स जहाँ दिक्कत रहेगी मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके उसमें भेज दूंगा, क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स सेशन को इतना ही रखते हैं, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।